हे गाइस, वेलकम बैक टू योर न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, और अभी मैं उठ रहा हूँ, मतलब अभी सो रखा था थोड़ा सा, क्योंकि थकान लग गई थी ना स्कूल से आके, और इतना भारी बैग ला के, और परसों से हमारे टेस्ट भी हैं, मंथली टेस्ट, फर्स्ट मंथली टेस्ट होंगे। तो और आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा मैं नानी सब्जी वगैरह निकालेगी, तो क्योंकि अभी सही टाइम आ चुका है कि इस सीज़न की जो फसलें वगैरह होती है, तो नानी एक तो खीरा ककड़ी वगैरह निकालेगी। एक तरह से ये किचन गार्डन है पूरा। तो चलो अब जल्दी से नानी से मिल लेते हैं, आपको नानी को दिखाता हूँ मैं। नानी हेलो कर दो। हाँ। क्या कर रही हो? टमाटर निकाल रही हूँ। और क्या क्या निकालोगी अब बताओ तो जरा। टमाटर इस निकालूंगी। टमाटर के अलावा और क्या निकालोगी? मतलब टमाटर निकालूंगी, करेला निकालूंगी। तो ये टमाटर कम से कम 2 महीने खा लिए होंगे ना नानी हम लोगों ने? 1.5 महीने तक। तो गाइस हमने भी खाए तो बहुत अच्छा टेस्ट, मतलब जैसे बाजार के टमाटरों का अलग ही होता है, घर के टमाटरों का अलग ही होता है, घर के बहुत ज्यादा रस। हाँ। तो आज कुछ मौसम ऐसा और रखा है, अभी बज रहे हैं मतलब 4:30, और मौसम अभी भी बहुत अच्छा वाला और रखा है। परसों तक बारिश आ रही थी नानी, कुछ मन नहीं होता ना बारिश में करने का। इसके पकौड़े बन जाए बहुत अच्छे। क्या है पकौड़े? क्या कद्दू का फूल? मीठे करेले अब होंगे ना? अभी छोटे छोटे हो रहे हैं। हाँ। ये मीठे करेले ना, ये कांटे कांटे वाले। फूल लगे ना इनपे। हाँ, ये फूल लगे। अभी टाइम लगेगा गाइस। देखो गाइस, ये है बैंगन। सही होगा? हाँ सही होगा। और अब नानी निकालने जा रही ककड़ी। इसको पकड़ दो। पकड़ रहा हूँ। कितनी ककड़ी हुई होगी नानी इस बार? पिछली बार से ज्यादा ककड़ी हुई इस बार? नहीं, इस बार 2-3 है बस। तो ये है भाई, है बेल सूख गई पूरा, निकाल दूंगा बेल उधर। तो ये पक्के पक्के वाली खीरे मतलब ककड़ी है, तो उन्हें अब 20 ले लेने दोगी? एक है बस, एक ही है उस पर। ये देखो वाली एक है ना, एक है वो निकाल देना। तो ये है गाइस खीरा, नानी ने ककड़ी की उगा रखी है, उसी खीरे भी है हमारे। ये देखा, वही वाले ना बाजार में भी आते हैं। हाँ, लाल चला है ना। हाँ। तो नानी ने एक दिन इसकी भुजी भी बनाई थी ना। हाँ। पकौड़े भी बनते इसके। पिछले साल लगाए पेड़ में ना। हाँ। एक साल में देती क्या फल? एक ही साल फल आ गए, एक ही तार। हाँ, एक दो हो रहा है। नानी ये अपने से ना भरवा भरवे करेले बताने का। तो देखो, तो नानी ने निकाल दिए सब्जी है ना यार, ये पाइप लीक हो रहा है मतलब जिसकी ट्यूटी होती है ना, ट्यूटी फूटी। अबे मैं गीला हो गया, देखो ये है नानी। तो नानी आ चुकी है अंदर। ये देखो, ये कलेक्शन पूरा, ये करेले, ये टमाटर, एक बैंगन, और एक ककड़ी और खीरे, और ये क्या है नानी, लिंगोड़े। और अच्छा, तो ये कहाँ पे होते हैं मोस्टली? गधेरे में। अच्छा, तो देखो गाइस लिंगोड़े का साग बनाते हैं। Hey guys, welcome back to new vlog। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सो गाइज, जिस दिन हमने गोलगप्पे वाला वो बनाया थी ना वीडियो, तो गाइज उस दिन देखिए मैं पहली बार बनाए थे, पहली बार जल भी गया। देखिए गाइज यहाँ पे ये चोट लग गई है, चोट क्या बोलते हैं, सो जल नहीं बोलते हैं, जल गया है। तो गाइज ये है अभी मेरे हाथ पे है लिंगोड़े, तो अभी मिथुन को लिंगोड़े देने जाना है, तो चलिए चलते हैं। गोलू तो ट्यूशन गया है, मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ, ये है लिंगोड़े, तो चलिए। तो गाइस नितिन के घर हम आ चुके हैं, और ये भी
लोला चार्ली गाइस, ये देखिए चार्ली का पट्टा टीटू के लिए भी ला रखे थे, नया पट्टा पर वो खो गया आज। और ये देखिए आदि ने उसे अपना केटीएम, आदि तेरी केटीएम, इस केटीएम में घास भी ले जाएगा। गाइस ये है आज तक का सबसे बेस्ट ब्रांड। वाओ अच्छी लग रही है आदि, तू लगा ले उसको अपने हाथ में। भाई से काफी अच्छी तरह से निकल जा रहा है, एक भी तरफ कहीं पे जमा नहीं है। क्या करेगा उसका तब तू? लोगों के ऊपर फेंकूंगा। एग्जांपल फॉर नीतू है ना। अबे भाई चॉकलेट बन गया ये तो, चॉकलेट अब मैं लोगों को बेचूंगा।